नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल 100% होम सॉल्यूशन टिप्स में। दोस्तों आज हम आपको एक बेहतरीन जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको जंगली गोभी के बारे में बताएंगे। जंगली गोभी बहुत मात्रा में पूरे देश में खरपतवार के रूप में पाए जाने वाला एक पौधा है जो जमीन पर फैलता है। ये देख लीजिए, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये वही घास है जंगली गोभी। इसके पत्ते होते हैं ना, वो बीच बीच में से कटे हुए होते हैं। इसका आकार गाय के जीभ के समान होता है, इसीलिए संस्कृत में गोजीवा के नाम से इसे पहचाना जाता है। और इसके पत्ते तथा किसी भी शाखा को तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है, सफ़ेद नहीं पीले रंग का दूध होता है इसमें। इस पौधे के बीच में से एक छोटी सी पतली डंडी निकलती है और इस पर पीले रंग के फूल लगते हैं जो चक्राकार होते हैं। तो दोस्तों पहचान लीजिए जंगली गोभी को, ये पूरे देश में होने वाला एक पौधा है। हमारे विशाल देश में अनेक प्रकार की भाषाएं होती हैं और इसके अनेक प्रकार के नाम हैं। आपके क्षेत्र में जंगली गोभी को किस नाम से जानते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आयुर्वेद चिकित्सा में इस पूरे पौधे का उपयोग किया जाता है, इसकी जड़ पत्ते फूल सब कुछ उपयोग में लिया जाता है। पहले तो इसको साफ़ कर लिया जाता है, जो धूल मिट्टी लगी होती है इसको साफ करके इसका उपयोग किया जाता है। इसका रस निकाल कर आप सीधा प्रयोग कर सकते हैं या खाली पेट इसके पत्तों को चबाकर भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे गाँवों में इसकी सब्जी बनाकर लोग खाते हैं। इसकी सब्जी पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है, पेट के सभी रोगों में उपयोगी होती है, बवासीर के लिए रामबाण इलाज है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसी नई नई वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है। इसके साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। ये जो जंगली गोभी का पौधा होता है ये एक छत्ते के रूप में जमीन पर फैलता है और खरपतवार के रूप में पूरे देश में होता है। ये ज़्यादातर जनवरी और फरवरी में खूब होता है, पूरे देश में आपको मिल जाएगा। चाहे खाली पड़ी जमीन हो, बंजर भूमि हो, खेत खलिहान हो या सड़क का किनारा, कहीं भी आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों कुदरत के खजाने में ऐसे अनगिनत पेड़ पौधे हैं जो लाइलाज बीमारियों को भी ठीक करने में कारगर होते हैं। ये हमारे आसपास में होते हैं, हमारे आंगन में होते हैं, खेतों में खरपतवार के रूप में होते हैं, लेकिन इसकी जानकारी हमारे पास ना होने के कारण हम इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। अगर इसके गुणों को आपने जान लिया, पहचान लिया, तो आप इसे बिल्कुल फेंकेंगे नहीं और इसका दवाई के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये जो जंगली गोभी का पौधा होता है ना, ये पीले रंग का, इसमें से दूध निकलता है और इसमें गंधक खूब मात्रा में होता है। बहुत मात्रा में इसे सल्फर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें ताम्र की मात्रा भी होती है। ये पेट के रोगों के लिए रामबाण जड़ी बूटी है। पेट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो, खाया पिया पचताना हो, अफारा तथा गैस जैसी स्थिति बनी रहती हो तो इसकी सब्जी बनाकर रोजाना खाया करें, बहुत जल्दी ही आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा इस पूरे पौधे को ले आए, अच्छी तरह से पानी से साफ करें और इसे चबाए या इसका रस निकालकर 15 से 20 ml की मात्रा में खाली पेट पिए। दोस्तों ऐसा करने से खूनी हो या पाथी, कोई भी बवासीर हो, इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक सप्ताह लगातार इसका सेवन करने से बवासीर ठीक होता है। अगर ज़्यादा पुराना बवासीर हो तो लंबे समय तक इसका सेवन करें, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको खाने पीने में भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तली हुई मसालेदार तथा खट्टी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, परहेज करना होगा, ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। अगर आप मसालेदार चीज़ें खाते हैं, बैंगन की सब्जी खाते हैं तो इसको नहीं खाना चाहिए, इससे बवासीर बढ़ती है और इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलता। बवासीर की बीमारी जो होती है जिसे हम पाइल्स और अर्स के नाम से भी जानते हैं, ये पेट में होने वाले गैस अफारा और गड़बड़ी के कारण होती है। अगर बार बार आपके पेट में कब्ज बनी रहती हो तो बवासीर होने की पूरे चांस होते हैं। तो आपको सबसे पहले खाने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ों का सेवन न करें जैसे कब्ज बनी रहती हो, और कब्ज दूर हो ऐसी ही चीज़ों का सेवन करें। और ये जंगली गोभी की जो सब्जी बनती है ये कब्ज को दूर करती है, पेट को साफ करती है। जंगली गोभी का रोजाना सेवन करने से पेट पूरी तरह से साफ रहता है, पेट की गड़बड़ी नहीं होती और बवासीर में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके साथ ही ये पूरे शरीर में खून को साफ करता है, खून की शुद्धि करता है, जिसके कारण चर्म रोग नहीं होते।
कभी कभी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल फीवर में शरीर अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसी बीमारी में प्लेटलेट काउंट अचानक से कम हो जाता है। तो इसके बढ़ाने के लिए जंगली गोभी बेहतरीन फायदेमंद औषधि है। जी हाँ दोस्तों, जंगली गोभी का रोजाना इस्तेमाल करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं। इसके लिए जंगली गोभी के पूरे पौधे को उखाड़ कर स्वच्छ पानी से धो ले और कूट पीच कर कपड़े से छानकर रस निकाले और 15 से 20 ml की मात्रा में सुबह शाम दिन में 2 बार रोजाना खाली पेट सेवन कराए। इससे बुखार के कारण आई कमजोरी मिटती है और आदमी जल्दी से स्वस्थ बन जाता है। बुखार को ठीक करने के लिए ये जंगली गोभी बहुत ही फायदेमंद होती है। इसकी जड़ को ले आए, साफ करें, रविवार और मंगलवार के दिन ये प्रयोग करें। इसके छोटे छोटे 21 टुकड़े बनाएं और सूती धागे से उस टुकड़ों की माला बनाएं और गले में पहनें। बुखार में ये बहुत फायदेमंद होता है। इसकी माला पहनने से बुखार ठीक होता है। कामला रोग में भी इसकी जड़ों का इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। दवाई जरूर साथ में लेनी चाहिए। इसके अलावा ताजी जंगली गोभी का सेवन लीवर और किडनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ताजी जंगली गोभी को उखाड़ कर लाए, साफ करके पूरी तरह से कूट पीच कर उसका कपड़े से निचोड़कर रस निकाले। इस रस में थोड़ी सी काली मिर्च और मिश्री मिलाकर पिए। इससे मसों से खून आना बंद हो जाता है। जो लोग शारीरिक रूप से दुर्बल है, कमजोर है, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ सकते होंगे। जिन लोगों को अंदर की ताकत की कमी है, धातु क्षीणता है, नपुंसकता और नामर्दी के जो लोग शिकार है और किसी को बता भी नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए जंगली गोभी जबरदस्त जड़ी बूटी है। नपुंसकता और नामर्दी को दूर करने के लिए जंगली गोभी की जड़ों को ले आए, साफ पानी से धोकर साव में सुखाकर पाउडर बनाए। इसके पाउडर के साथ ही समान मात्रा में अश्वगंधा का पाउडर भी मिला दे। अब इस पाउडर को 1-1 चम्मच की मात्रा में रोजाना मिश्री वाले गर्म दूध के साथ सेवन करें। कुछ दिनों तक नियमित रूप से इसका सेवन करने से शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी दूर होती है, शरीर ताकत से भर जाता है। इससे धातु का पतलापन दूर होता है और धातु गाढ़ा बनता है। दोस्तों, ये जो जंगली गोभी है ना, ये अचूक रामबाण देसी दवाई है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और लगभग पूरे भारतवर्ष में आपको सहजता से मिल जाती है। इस घास को बकरियां बड़े चाव से खाती है और दूध भी बहुत खूब देती है। ये बूटी छोटे बच्चों में होने वाले सूखा रोग को भी दूर करती है। अगर किसी व्यक्ति को या जानवर को चोट या घाव लगने से खून बह रहा हो और वो जल्दी से रुक ना रहा हो, तो इस जंगली गोभी को पीस कर लगाने से 2 मिनट के अंदर अंदर खून बहना बंद हो जाता है। अगर पुराना घाव हो जो भर न रहा हो, तो जंगली गोभी को पीस कर रोजाना उस स्थान पर लगाते रहे, जल्दी ही घाव भी भर जाता है। दोस्तों, ये जो जंगली पौधे के पत्ते होते हैं ना, जिसमें से पीले रंग का दूध निकलता है, ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं और इसमें जहर नाशक गुण भी मौजूद होते हैं। बिच्छू, मधुमक्खी, ततैया या किसी जंगली जीव ने काट लिया हो तो उस स्थान पर तुरंत इसके पत्तों को पीस कर लगा दीजिए। जैसे जैसे इसका रस अंदर उतरता जाएगा, जहर का असर खत्म होता जाएगा। इसके अलावा इसके पत्तों की सब्जी बनाकर भी जहर शरीर में हो तो वो नष्ट होता है। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जड़ को ताबीज में बांधकर अगर हाथ की भुजा पर बांध दिया जाए तो बिच्छू डंक नहीं देता। ये एक बात है लोगों के कहने की, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ पेड़ पौधे में ऐसी शक्ति होती है जो रहस्यमय होती है, ये हमारी समझ से परे होते हैं। खांसी की समस्या होने पर भी ये पौधा उपयोगी होता है। इसके लिए इस पूरे पौधे को साफ करके ले आए, इसकी जड़, पत्ते, तना और फूल जो भी मिले उसको ले आए और इसको पीस कर चटनी बनाए और शहद मिलाकर चटाए। 2-3 दिनों में खांसी में आराम होगा। दोस्तों, कीमियागिरी में, जिसे एल्केमिस्ट साइंस भी कहते हैं, इसमें जो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इसके लिए बता दें कि ये जो जंगली गोभी होती है ना, इसमें बहुत सारी मात्रा में गंधक पाया जाता है और ये जस्ता को कायम करता है। कायम का अर्थ होता है कि जस्ता का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1000 से 1200 डिग्री तक जस्ता को ये ले जाता है। इतना ताकतवर ये पौधा होता है। इस पौधे की पत्तियों से ताम्र की सफ़ेद भस्म बनती है, जो कीमियागिरी में बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे।